जय माता दी। नवरात्रि कल से शुरू हो रही है। ऐसी मान्यता है सरलता, निश्चलता, निस्वार्थ से की गई जो प्रार्थना होती है उसमें कहीं ज़्यादा आपको माता जो है देने को मिलती हैं। ऐसी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ऐसी शक्तियाँ मिल जाती हैं, ऐसी कृपा मिलती है माता की जो आपकी पूरा जीवन जो है सुखमय बनाती है। यत् नार्यस्तु पूजन्त्यो रमन्त तत्र देवता। कहने का मतलब यही है, आप जिस तरीके से पूजा करते हैं आप माँ से यही उम्मीद कीजिए कि जो भी आपके जीवन में चल रहा है वह सब कुछ सुखी से चलता रहे और आगे भी सुखी से चलता रहेगा। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, कमेंट में एक बार लिखेंगे जय माता दी। और नवरात्रि की शुरुआत जैसे कल हो रही है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम इस वीडियो में पूरा माता का जो एक बार अगर आप नवरात्रि रखते हैं तो एक बार ये ज़रूर जान लें कि माता का जो नवरात्रि की शुरुआत है उसके बारे में जानेंगे। कुछ खास बातें भी हैं नवरात्रि से जुड़ी हुई और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको जानने की काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि 9 दिन का कोई व्रत रहता है तो उस बीच में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतवर्ष में विचित्र संस्कृति की विभिन्नताएँ के लिए माना गया अनेक प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। कई सारे उत्सव हैं, कई सारे पर्व हैं, उसी में एक आता है मुख्य पर्व जो माना जाता है, सबसे मुख्य पर्व नवरात्रि का पर्व माना जाता है। नवरात्रि जो कि माता दुर्गा के लिए 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज सर्वत्र विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के साथ साथ वैचारिक प्रदूषण भी अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका है, इसी स्थिति में तो नवरात्रि का महत्व भी और बढ़ जाता है। क्योंकि नवरात्रों से तात्पर्य यह है कि हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करें और अंततः राम राज्य की स्थापना करें। देखिए कितना उत्तम उद्देश्य है व्रत करना, संयम करना, तप करना, शक्ति को जागरण करना, फिर उसी शक्ति का प्रयोग से जो है बुराई का अंत करना, सत्यता शांति की स्थापना करना। तो नवरात्रि का मूल उद्देश्य इंद्रियों का संयम और आध्यात्मिक शक्ति का संचय करना है। इसी तरीके से अगर बात की जाए इंद्रियों का संयम आध्यात्मिक शक्ति का संचय करने के साथ साथ वस्तुतः नवरात्रि अंतःकरण की शुद्धि का ही महापर्व माना जाता है। अगर बात की जाए संस्कृत शब्द में नवरात्रि शब्द के बारे में अनुमान मिलता है 9 दिनों के लिए होता है। नवरात्रि जो शब्द है वह जो है एक संस्कृत का शब्द है और 9 दिनों का इसका मतलब होता है, अर्थात देवी दुर्गा के 9 दिव्य उत्सव। यह 9 दिन तक चलने वाले जीवन का उत्सव है जो कि माँ दुर्गा के 9 सिद्धांतों को प्रतिपादन करता है। माता की पूजा के लिए समर्पित और इसके साथ ही माता के 9 अवतारों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। यह नवरात्रि वर्ष के वैसे 4 बार आते हैं जिनमें से 2 प्रकट नवरात्रि हैं और 2 गुप्त नवरात्रि माने जाते हैं। पहला होता है चैत्र मास का नवरात्रि जिसे चैत्री नवरात्र कहा जाता है, इसे कहते हैं प्रकट नवरात्र। उसके बाद आता है आषाढ़ मास की नवरात्र जिसे कहते हैं गुप्त नवरात्र। उसके बाद आता है आश्विन मास का शारदीय नवरात्र जिसे कहते हैं प्रकट, और माघ मास का होता है नवरात्र जिसे कहते हैं गुप्त। बात की जाए अगर गुप्त सिद्ध प्राप्ति की गुप्त सिद्ध प्राप्ति हेतु तो इनके 2 मुख्य प्रचलित नवरात्र हैं जो कि चैत्र नवरात्रि का जो चैत्र नवरात्र है और दूसरा शारदीय नवरात्र माना जाता है। अभी जो आने वाला है वो शारदीय नवरात्र माना जाता है। चैत्र नवरात्र प्रकट नवरात्र जिसे कहते हैं, यह नवरात्र जो है गर्मी में प्रारंभ होता है अर्थात मार्च और अप्रैल महीने में के मध्य में आता है। यह समय ऋतु बदलने के साथ साथ समय के अनुसार जो है सर्दी और गर्मी दोनों रहती है। मार्च और अप्रैल के महीने में दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है जो कि साधना और साधक के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है। वहीं दूसरी बात की जाए सर्दीय नवरात्रि जो अभी आने वाली है, यह नवरात्रि सर्दी के प्रारंभ में सितंबर अक्टूबर के माह के मध्य में आती है जब गर्मी बिल्कुल ख़त्म होने वाली होती है, सर्दी की स्टार्ट होने वाली है। इस समय जो है रात और दिन की लंबाई लगभग बराबर होती है। तो यह देखिए जो है नवरात्रि की शुरुआत तभी होती है जब जो है दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। यह मौसम साधना और साधक के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। साधना के लिए ऋतुओं के संगम इसीलिए सर्वोत्तम है, यह हर एक साधकों के लिए अच्छा होता है, ना गर्मी है ना सर्दी है। अब देखिए हम जानते हैं कि शिव शक्ति जो है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिव और शक्ति, आप सभी भगवान भोलेनाथ या माता पार्वती को ले लो, अगर शिव शक्ति की बात की जाए तो शिव शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे अग्नि और जल का समन्वय है तो
इन नवरात्रों में भी माँ भगवती की आराधना के साथ साथ ही भगवान भोलेनाथ की आराधना का साधक करनी चाहिए। इससे हमारे द्वारा किए गए जप तप इस प्रकार की शांति प्राप्त होगी जैसे भीषण गर्मी में शीतल जल की फुहार से प्राप्त होती है। साधना में ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें, अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो किस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम माता की पूजा कर रहे हैं, नवरात्रि माता की पूजा कर रहे हैं, शिव शक्ति की पूजा कर रहे हैं, उस तरीके से अगर आप पूजा कर रहे हैं तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको देखना है तन मन शुद्ध पवित्र होना चाहिए। आप सभी को पता है स्नान करने के बाद ही पूजा पाठ करते हैं, तो तन मन और मन में कोई गलत विचार ना आए, इंद्रियों को संयम रखें, नितांत रखें, कुछ गलत कदम ना उठाएं, मन क्रम वचन से भूल कर भी किसी को आहत ना पहुंचाएं, अपने जो बोल रहे हैं वो चीज़ आप ध्यान रखें कि जो है किसी तरीके को कोई गलत ना बोलें, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए इस बीच में जब आप नवरात्रि का उपवास रखे हुए हैं। अपनी साधना से प्राप्ति प्राप्त शक्ति का प्रयोग करें और अहित में ही करना चाहिए। कोई शक्ति आपको या फिर कहते हैं सिद्धियाँ होती हैं, कुछ सिद्धियाँ बहुत ज़्यादा तप करते हैं आपको प्राप्त हो जाती हैं, तो उसको गलत चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में खासकर मांस मदिरा आदि किसी प्रकार का व्यवसन नहीं करना चाहिए। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। आप सभी लोग यह जानते हैं जो है माता की अगर आप पूजा करते हैं, पूत कपूत सुने हैं परना माता को सुनी कुमाता, याद है ना आपको अपना बचपन, किसी प्रकार किस प्रकार हमारे माता पिता हमारा ध्यान रखते थे जब हमें भूख प्यास या किसी भी चीज़ का ज़रूरत होती थी, किंतु सभी आवश्यक यथा को जो है समय पर पूर्ति किया जा सके, वो भी बिना मांगे जब हम लोग छोटे होते हैं। किंतु ध्यान दें, जब से हमारा मांगना प्रारंभ हुआ है माँ की, तो कई बार डांट भी हमें खानी पड़ती है, क्योंकि बचपन में ही तो माता हमारी जो है माता की जो है मात्र अपनी ओर देखने मात्र से माता आपकी सूरत देखकर पहचान लेती है, पता कर लेती थी कि आपको क्या आवश्यकता है। जब आप छोटे होते हो क्या इच्छा है, क्या परेशानी है, हम किस बात से प्रसन्न हैं, किस बात से दुखी हैं और किस बात की कामना को लेकर हम उनके पास आए हैं, हमारे उस मांगने में मात्र हमारी सरलता होती है। हमारे उस मांगने से कोई शब्द नहीं होते, ना संवाद होता है और ना ही केवल भाव। अगर इसी तरीके से बात कीजिए, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव ना हो तो मनुज देह देह अजीवक मृत समान। अगर आप भगवान जो है सिर्फ भाव के भूखे हैं, अगर आप भाव के भूखे आप नहीं हैं, तो भगवान के पास आपको जाने का मतलब जीवक एक मृत के समान माना जाता है। भाव के भूखे हैं भगवान। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अपने माता पिता की भांति क्यों ना निस्वार्थ निष्काम भाव से माँ भवानी की पूजन अर्चना करें। अरे उसको सबको पता है, उस सबको पता है हमें क्या कब कितना क्यों चाहिए। सभी देवी देवता को पता है जिसकी आप पूजा करते हैं, हमें कब कितना क्या चाहिए उसको सब कुछ पता है। शारदीय नवरात्रि जिनका प्रारंभ 15 अक्टूबर 2023 को और समापन 23 अक्टूबर 2023 को होगा, इन नवरात्रों में माता रानी अपने मायके अर्थात पृथ्वी पर आती हैं, निवास करती हैं। इन नवरात्रि के 10 दिनों में माँ भवानी शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वें दिन दशहरा यानी विजयदशमी मनाई जाती है। इन दिनों में माता रानी अपने विशेष सत्कार पूजा पाठ करने का विधान है। आज के प्रत्येक नवरात्रि में माँ भगवती को 9 स्वरूपों का जन्म स्वरूप, सवारी स्वरूप, जन्म स्वरूप हो गया, जन्म का हो गया, स्वरूप हो गया, सुबारी स्वरूप हो गया, पसंद का स्वरूप हो गया, पसंद के पुष्प, रंग लगाए जाने वाले भोग, मंत्र, पूजन की सरल विधि, संक्षिप्त किंतु विस्तृत जानकारी के साथ आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि माता की जो पूजा है वो किस तरीके से की जाती है। और इसी के साथ में आपको यह भी ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए कि जैसे कि आप सभी को पता है 9 देवियों की जो है नवरात्रि में लगभग जो है माता की कथा, स्वरूप, भोग, मंत्र आदि परिवर्तन होता रहता है। सभी 9 दिनों में बात की जाए, 9 दिनों में सर्वप्रथम संकल्प लेंगे माता की, जैसे पूजा करने से पहले एक बार संकल्प लेते हैं, या फिर आप जैसे कि करने वाले होते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, माता का जैसे व्रत करने वाले हैं, तो आप एक संकल्प लेते हैं कि हम 9 दिन ये चीज़ें नहीं करेंगे। यह संकल्प जब हम ले रहे होते हैं जिससे हम अपना नाम, गोत्र और स्थान के नाम के उच्चारण के साथ ही चारों पुरुषार्थ सिद्ध के लिए प्रार्थना करते हैं। जब आप संकल्प ले रहे होते हैं उस समय कुछ चीज़ें आपको करनी होती हैं, आप किसी से पूछ लेना को बता देंगे। हे भवानी, हम आपके चरणों का पूजन कर रहे हैं। हे परमेश्वरी,
आपकी कृपा से मेरा पूजन पूर्ण हो, यही आपसे प्रार्थना है। अपने गुरु का ध्यान करेंगे। ओम श्री गुरुवे नमः, इसका उच्चारण 3 बार करेंगे। देवी के मंत्र का ध्यान करेंगे, जिस देवी का नवरात्र है। अपने इष्ट देव के मंत्र को 3 बार दोहराएंगे। ग्रह मंत्र का उच्चारण 3 बार करेंगे। माँ के स्रोत का पाठ करेंगे। अतः अंत में माता से क्षमा प्रार्थना करेंगे। आवाहनम ना जानामि ना जामामि तवार्चनम पूजाम समय ना जानामि क्षम्यताम परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरम यद पूजतम मया देवो परिपूर्णम तदस्मे। अर्थात हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा इन रात सैकड़ों जो भी मैंने पूजा पाठ किया है, मेरे द्वारा इन रात सैकड़ों अपराध होते हैं और इन सारी चीज़ों को मुझे आपसे दास मानकर मेरे उन अपराधों को क्षमा करें जो मेरे से गलतियां हुई होंगी। क्योंकि आप जब नवरात्रि रहते हैं, हो सकता है आप कहीं जाते हैं, कहीं कुछ भी पैर के नीचे आ जाता है, किसकी मृत्यु हो जाए कुछ पता नहीं होता, छोटी चीज़ें। कई बार ऐसा भी होता है कि बड़ी चीज़ आपके ऊपर आ जाए तो आपकी मृत्यु हो जाए। तो यही सी चीज़ें हैं कि हे अर्थात हे महेश्वरी, हे परमेश्वर, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं 9 दिन के लिए, उनसे क्षमा करना, हमें क्षमा करना कि अगर कोई भी चीज़ें ऐसी आई हों जो हमारे पैर के नीचे आ गई हों गलती से, कुछ हमसे अपराध हो गया होगा, तो उसके लिए हमें दास मानकर अपना क्षमा करें। हे भगवती, जो मैंने मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तहीन होकर आपका पूजन अर्चन किया है, उस पर आप रुष्ट ना हों और आप अपनी कृपा से बरसा कर मेरी पूजा को पूर्ण करें, मेरी पूजा को आप स्वीकार करें। माता, मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर मैं बहुत ही अपराध करके मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपकी शरण में हूं, आपकी दया का पात्र हूं, मुझे क्षमा करो, मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगत जननी, मैं प्रेम पूर्व मैं आपकी पूजा कर रहा हूं और स्वीकार कर रहा हूं कि अगर मेरी गलती हुई हो कुछ तो उसको क्षमा करें। और माता की जो है, यह जो भी पाठ होता है करने के बाद माता की आरती जरूर करेंगे। माता की आरती करने के बाद आप जो भी बन पड़ता है माता की पूरी आरती करने के बाद, नौ धोबी को आरती करने के बाद, आपको यह चीज़ ध्यान रखना है कि माता के सामने जो आप हाथ जोड़कर आप विनती करते हैं, उस चीज़ को आप ज़रूर करें और भूल कर भी कुछ बातों की गलतियां ना करें। जैसे कि माता का आप सभी को पता होगा, 9 दिन के नवरात्रि में, जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, 9 देवियाँ माता शैलपुत्री का कल जो है पहला दिन होगा, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तब। तो जैसे ही आप शैलपुत्री का है तो शैलपुत्री के बारे में भी मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसके बारे में, शैलपुत्री माता के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, कैसे पूजा करनी है, क्या माता का भोग लगता है, किस प्रकार से आपको जो है क्षमा याचना करनी है और किस तरीके से माता के सामने अपनी बात रखनी है, वह उन सब के बारे में आपको बता दूंगा उस वीडियो में। खास बात यह भी है ध्यान रखने वाली कि माता का भोग, माता को भोग क्या लगाना है, तो यह चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है कि हम 9 दिन जैसे हैं, माता को ऐसा कोई भोग भी नहीं लगता जो नहीं मिल सकता हो, तो आप कोशिश करिए माता को वही भोग लगाइए जो लगता है। क्योंकि माता का भोग वो लगाने से जो माता को लगता है, जैसे शैलपुत्री माता हैं तो उनको क्या भोग लगेगा, उसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, माता को जो भोग आप लगाते हैं तो किस तरीके से माता का भोग लगाना है और क्या हो सकता है माता की पूजा पाठ करते समय, उन सारी बातों को आपको ध्यान रखते हुए पूजा करनी है 9 के दौरान। खास बात ये भी है, इन पूजा के बीच में आपके दिमाग में कोई भी गलत चीज़ें नहीं आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर कुछ गलत चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, हो सकता है आपकी पूजा जो है भ्रमित हो जाए या कुछ गलत हो जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई सारे मंत्र भी होते हैं इसके लिए, उसका आप जापन करें, या इसी तरीके से शैलपुत्री माता का भी मंत्र होता है, उसका जापन कर सकते हैं। और उन सारी चीज़ों से जो भी आपके माइंड को डिस्टर्ब करती हैं, अब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे आस पड़ोस में जिसको सोचकर जो है कई बार जो है गलत चीज़ें दिमाग में आती हैं, उन सारी चीज़ों से हमें बचना है इन 9 दिन। और यही 9 दिन अगर आप बचा ले गए तो हो सकता है नवरात्रि माता आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए और आपका जीवन सुखमय हमेशा के लिए बीतता रहे। एक बार कमेंट में लिखेंगे जय माता दी, वीडियो कैसी लगी एक बार ज़रूर बताएँ।